और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। बिजनौर में कोरोना ने दी दस्तक, दो मरीज कोरोना संक्रमित, स्वास्थ्य विभाग सतर्क। दरअसल जनपद बिजनौर में कोरोना ने दस्तक दे दी है। पिछले 4 दिन में कोरोना संक्रमित 2 मरीज मिले, जिनमें 23 दिसंबर को गंज क्षेत्र का रहने वाला एक 5 वर्षीय बच्चा कोरोना संक्रमित मिला था। वहीं अब 26 दिसंबर को किरतपुर ब्लॉक क्षेत्र के गांव रामपुर बिशन निवासी 57 वर्षीय बुजुर्ग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग की हालत गंभीर होने पर उन्हें मेरठ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया यह भी जा रहा है कि बुजुर्ग को दिल की बीमारी है, जिन्हें समस्या होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर जांच करने पर वह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि बुजुर्ग की बेटी मेरठ में रहती है और बुजुर्ग मेरठ में ही संक्रमित हुए हैं, जिनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं जनपद में इस समय कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 2 है। डॉक्टर विजय कुमार गोयल CMO के अनुसार जनपद में अभी 2 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। घर से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क जरूर लगाएं, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में ना जाएं, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, बुखार जुकाम खांसी होने पर कोरोना की जांच अवश्य कराएं, समस्या दिखाई देने पर चिकित्सक से परामर्श लें। कोरोना से बचाव को लेकर विभाग की पूरी तैयारी है। तैयारियों को परखने के लिए ही अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगा। देखिए शिकुल कुमार की ये खास रिपोर्ट। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपने अभी तक DPP न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और हाँ, लाइक कमेंट व शेयर करना भी ना भूलें। नमस्कार।